हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS शो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सरसरवी BPSC को लेकर जो है आज कोर्ट में सुनवाई थी और सुनवाई पूरी हुई। दोनों पक्ष ने अपना अपना पक्ष रखा और जो भी ये था क्या प्रूफ था दोनों पक्ष ने रखा। ये छात्रों की तरफ से जो है YB गिरी, जस्टिस जो है YB गिरी ने पक्ष रखा था और उन्होंने बताया कि ये क्वेश्चन वगैरह जो रॉन्ग क्वेश्चन था उसके बारे में, तो पहले सिर्फ दो शिफ्ट में जो है ये प्रक्रिया चली। तो पहले शिफ्ट में जो है छात्रों का प्रॉब्लम सुना गया और इसकी जो है निगरानी जो है जस्टिस मधुरेश कर रहे थे, तो उन्होंने सुना सारी बातें। और उसके बाद जो है सेकंड शिफ्ट जो है 3:30 बजे से जब शुरू हुआ तो उसमें आयोग ने अपना पक्ष रखा और उसकी बातों को भी गौर से सुना गया। इसमें छात्रों का कहना था कि ये जो है 9 क्वेश्चन जो है वो उसका आंसर गलत दिया गया है और उसमें कुछ क्वेश्चन भी गलत है, जिसको लेकर छात्रों की मांग थी कि रिवाइज रिजल्ट दिया जाए। तो इस पर उन्होंने अपना जो है फैसला वो रिजर्व रखा और कुछ देर तक 2-3 घंटे तक रिजर्व रखा। उसके बाद जो है अब फाइनल जो है उन्होंने फैसला दे दिया और उनका फैसला है कि अब जो है से वो इस केस को यहीं पे उन्होंने खारिज कर दिया है, मतलब आगे कोई बात नहीं होगी अब। दोस्तों ये वीडियो पूरा देखिए और इसमें इसमें पूरी जो भी जानकारी है वो मैंने बताया है। लास्ट में निबंध के बारे में भी मैंने बात किया है, तो उसके संदर्भ में भी आप लोग मुझे बताएं। और आप लोगों को ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं क्या जानकारी है। केस को यहीं पे उन्होंने खारिज कर दिया है, मतलब आगे कोई बात नहीं होगी अब। और तो अब जो भी छात्र क्या करते हैं नहीं करते हैं वो बात की बात है। अब ज्यादा से ज्यादा वो करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में इसको खारिज कर दिया गया है। और इससे पहले भी जो है 64वीं BPSC में भी जस्टिस मधुरेश ही थे, केस की सुनवाई कर रहे थे और उसमें भी ऐसा ही हुआ था। उन्होंने पहले को खारिज कर दिया था, मतलब कि आयोग के पक्ष में अपना फैसला सुना दिया था। उसके बाद जो है 2 जजों की टीम बैठी थी तो उसने भी सरकार के पक्ष में जो है फैसला सुनाया था। फिर लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में जो है से फैसला जो है वो भी जो है सरकार के पक्ष में ही गया था। तो इस बार भी जो है, अगर मुझे नहीं लगता है कि मैंने पहले ही कहा था जब ये सुनवाई शुरू हुई थी कि इससे कुछ होने वाला है, क्योंकि वो पूरा सबकी मिलीभगत है और कोई कुछ नहीं करेगा। तो इसमें जो है जो हो चुका सो हो चुका, अब कुछ नहीं होगा। आप कहीं भी चले जाइए, फैसला जो है सरकार के हक में ही आएगा, तो उससे कोई फायदा नहीं है। अगर जो लोग का मेंस है तो वो मेंस की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि हाँ मेंस के बारे में आयोग ने कहा कि मेंस का जो है से डेट जो है निकाय चुनाव के वजह से ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता बढ़ सकता है, क्योंकि 28 को निकाय चुनाव है तो अगले दिन जो है कराना संभव नहीं हो पा रहा है। तो नहीं हो सकता है, मतलब बढ़ भी सकता है, तो अगर बढ़ेगा भी तो 1 हफ्ता ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएगा। और जो 68वीं BPSC को लेकर ऑप्शनल को लेकर जो उन्होंने कहा है कि ऑप्शनल जो है से वैकल्पिक विषय जो है उसके लिए जो MCQ कर दिया है, तो उसमें जो है से निगेटिव मार्किंग का जहां तक बात है तो उस पर विचार चल रहा है कि उसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा कि नहीं, उस पर अभी कोई ये नहीं चला है। तो वो तो वो 68वीं BPSC से है और यहाँ जो 67वीं BPSC से जो है ऑप्शनल चेंज कर दिया, पैटर्न ऑप्शनल का तो वो सेम टू सेम रहेगा, बस पैटर्न चेंज कर दिया गया है। और 68वीं BPSC का जो मेंस है तो उसमें जो प्री में तो पहले निगेटिव मार्किंग ओवरऑल में रहेगा, तो 1/4 द ई ऑप्शन को लेके भी उन्होंने कहा कि इसमें कुछ अभी कहा नहीं जा सकता रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन आप मान के चलिए ज्यादा चांस है कि ई ऑप्शन रहेगा ही, इसमें कोई नहीं है। और जहां तक बात है कि निबंध को लेकर, तो निबंध जोड़ दिया गया है, जो पैटर्न है 300 मार्क्स का निबंध रहेगा और कहा जा रहा है कि वो जो है UPSC पैटर्न पर ही निबंध रहेगा। तो निबंध के बारे में जो है से अगर आप लोग का चाहते हैं कि मैं उस पे निबंध पे भी ये करा दूं सारे सिलेबस वगैरह, और निबंध से जो टॉपिक बनते हैं सिलेबस से तो मैं क्वेश्चन वगैरह करा दूंगा, तो उस पे जो है आप लोग मुझे बताइएगा, ताकि जितना ज़्यादा लोग अगर बताएंगे तो मैं उसको आगे कंटिन्यू करूंगा। तो दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन यही थी कि अब जो है से PT परीक्षा के जो भी रिजल्ट का जो भी था वो खत्म हो चुका है, वो हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और मेंस का डेट हो सके तो बढ़ सकता है, लेकिन आप लोग तैयारी में लगे रहिए। तो दोस्तों आज के लिए यही था, इतना ही। और अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन सही लगता है, अच्छा लगता है, तो आप लोग जो है से वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।